सियासत में दो बातें होती हैं, या तो आप अपने सिद्धांत पर अटल रहो या फिर अगर आगे बढ़ना है तो समय के बहाव के साथ बहते चलो। और कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का साथ नहीं होता, बस हालात का मोहताज होता है। जब तक आपका समय ठीक चल रहा है तब तक आपके साथ, और जैसे ही समय खराब हुआ तो फिर आप कौन हैं पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक संकट पैदा हुई है वो इसका सटीक उदाहरण है। नीतीश जब तक लालू के साथ थे तब तक उन्हें परिवारवाद याद नहीं आया और अब उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है, कभी भी हुकूमत बदल सकती है, बैठकों का दौर जारी है, बिहार में क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नीतीश अगर एनडीए में शामिल भी होते हैं तो बीजेपी उन्हें 2025 तक सीएम बनाए रखना चाहेगी। इसके पीछे कई कारण है, चलिए हम आपको एक एक करके वे कारण बता देते हैं। पहला, बीजेपी को नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान हो सकता है। नीतीश कुमार जिस तरह से पलटी मारते हैं उनके इस रवैये से आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि जेडीयू के नेता भी परेशान रहते हैं। ऐसे में अगर बिहार में विधानसभा भंग करके लोकसभा चुनाव के साथ बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तो आरजेडी के साथ पूरी सिंपथी जा सकती है। लालू तेजस्वी जैसे दूसरे फैक्टर हावी हो सकते हैं जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, इसलिए बीजेपी 2025 तक नीतीश कुमार को सीएम रहने दे सकती है। दूसरा, नीतीश के आने से बीजेपी कार्यकर्ता नाखुश होंगे। दूसरी वजह यह है कि नीतीश कुमार के साथ दोबारा हाथ मिलाने से बीजेपी कार्यकर्ता नाखुश होंगे। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी के लिए मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे नेता जिस पर कोई भरोसा नहीं कि वो कब पलटी मार जाए उसके लिए नहीं उतर सकते। इसलिए बीजेपी फिलहाल ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे राज्य में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की स्थिति पैदा हो। तीसरा, बीजेपी को 2025 में चुनाव में ज्यादा फायदा मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करके कमंडल का पासा तो फेंक दिया, वहीं अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद मंडल का भी पासा फेंका है। कमंडल से अगड़ी जाति और मंडल से पिछड़ी जाति दोनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में बिहार में जब 2025 में विधानसभा चुनाव होता है तो फिर उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बीजेपी के लिए 2025 तक चुपचाप रहना कितना जरूरी है और वो नीतीश को ही सीएम क्यों बनाए रख सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।